सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए तस्वीरें पोस्ट करते हुए देखा, बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं तुम क्यों नहीं करते। हमारा भी मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें, हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी, आप लोग भी तो हमारा परिवार है। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें, आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम कोरोना जगत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, या यूं कह लीजिए कि दुखदाई खबर सामने आई है। वरिष्ठ पत्रकार और आज तक के ऊर्जावान एंकर रोहित सरदाना नहीं रहे। आज दोपहर उनका हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं। रोहित को कुछ दिनों पहले कोविड संक्रमण हुआ था, लेकिन वो उससे निकल रहे थे और सक्रिय थे। गुरुवार की रात तक वो संस्थान और अपने बाकी साथियों का हौसला बढ़ाते रहे और काम करते रहे, लेकिन रात में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आने वाले रोहित के नाम बेस्ट एंकर के एंटी अवार्ड और ENBA अवार्ड के साथ साथ हिंदी पत्रकारिता का प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी है। रोहित सरदाना भारत के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ऊर्जावान एंकर थे। उन्होंने डेढ़ दशक के अपने करियर में ऑल इंडिया रेडियो में बतौर उद्घोषक पहले अपनी आवाज घर घर पहुंचाई और उसके बाद ETV सहारा समेत जी न्यूज और फिर आज तक में अपने विशेष तेवरों वाली एंकरिंग से घर घर में अपनी पहचान बनाई। वे हिंदी के सबसे तेज तर्रार एंकरों में गिने जाते थे। आज तक के प्राइम टाइम शो दंगल के एंकर के तौर पर रोहित ने टीवी एंकरिंग में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को हासिल हुआ है। इससे पहले वो जी न्यूज में एक पॉपुलर शो के एंकर भी थे। तीखे और स्पष्ट सवाल रोहित सरदाना की एंकरिंग की वो खूबी माने जाते हैं, जिनकी वजह से वे अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बोलती बंद कर दिया करते थे। सोशल मीडिया पर उनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स थे। रोहित की कई ऐसी स्टोरीज रही जिन्होंने देश की खबरों का एजेंडा सेट किया, जिनमें से खास रही JNU में देश विरोधी नारे, कश्मीर में हुर्रियत नेताओं का पाकिस्तान का फंड कनेक्शन, पश्चिम बंगाल के मालदा और धूलागढ़ की सांप्रदायिक हिंसा, कैराना के पलायन का सच और तीन तलाक के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत। 2014 में लोकसभा चुनावों के पहले सांसदों का लेखा जोखा उनके द्वारा बनाया गया मील का पत्थर कार्यक्रम है। निर्भीक एंकर होने के साथ साथ वे बेहतरीन रिपोर्टर भी थे। भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।